नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द रियलिटी शो यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात की जाएगी दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ये वेबसाइट है, तो बेसिकली आज क्या बात होंगी ये मैं आपको बताता हूँ। आज की वीडियो में बात होंगी सिलेबस के बारे में, ठीक है। और दूसरी हम बात करेंगे टाइमिंग के बारे में कि पेपर कब से होंगे और क्या कौन कौन से पेपर की टाइमिंग क्या रहेगी। जो और पेपर में बता देता हूँ आपको, ऑनलाइन बेस पर रहेंगे, ऑनलाइन ही आपके पेपर हो गया, प्लस ऑनलाइन ही आपका इंटरव्यू होगा और ऑनलाइन ही आपका रिजल्ट आएगा। तो सारे काम ऑनलाइन होने वाले हैं, तो वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको बताने की शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो वेबसाइट हमने ओपन कर ली है, उसके बाद हमें जाना है एकेडमिक्स के अंदर, एकेडमिक एडमिशन, और वहाँ पर जाना है एडमिशन सेशन 2021। तो इस पर क्लिक कर लेना है आप सभी को इस पर, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ फटाफट से। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे जाओगे आप, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बात कर लेते हैं कुछ फाइनल डेट्स के बारे में, तो मैं डेट्स आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स पर आप क्लिक करोगे इसके अंदर, तो आपके सामने एक फ़ाइल डाउनलोड होकर आ जाएगी, तो मैं वो फ़ाइल खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये फाइल डाउनलोड करोगे, जैसे उस पर क्लिक करोगे ये फाइल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। इस फाइल के अंदर आप देखिए शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट एंड ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर सेशन 2021। पहले बेसिकली क्या होता था, पेपर भी पिछले ईयर तक पेपर भी आपका ऑफलाइन होता था, प्लस इंटरव्यू भी ऑफलाइन होता था आपका, ठीक है जी। और उसके बाद रिजल्ट आपका ऑनलाइन आता था, या जो भी सूचना होती थी वो आपकी ऑनलाइन रहती थी। लेकिन अभी COVID-19 के चलते सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमिंग वगैरह आप देख लो, सारे तरीके के टेस्ट हैं। 22 जून से पेपर शुरू होंगे, 22 जून 23 जून सुबह में कौन से उसका होगा, एमबॉक एमएससी, शाम में कौन सा होगा। तो यह फाइल डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पर ये 2 पेज की फाइल है, इसमें सारी डिटेल्स जो है दी गई हैं, ठीक है। 30 जून तक आपके टेस्ट होंगे, वो डिपेंड करता है आपने किस चीज़ का फॉर्म भरा है, 22 जून से लेकर 30 जून तक, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ज़रा लास्ट डेट्स के बारे में, तो किसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा। ये तो एग्ज़ाम के पेपर के बारे में बात होगी कि पेपर कब होगा एडमिशन का, लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है और किस किस कैटेगरी में कब तक फॉर्म भरे जाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की जो फाइल डाउनलोड हो गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट बी वॉक बी एफ ए बी आर्स बी टेक कोर्सेज के लिए 30 मई 2020 आपकी डेट रहेगी। फॉर बी एड एम एड एम वॉक एंड अदर पोस्ट ग्रेजुएट या पी जी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी 30 मई तक आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर सर्टिफिकेट मॉड्यूलर कोर्स, जिनको हम ITI के नाम से भी जानते हैं, ITI, तो ये मत पूछना कि ITI की लास्ट डेट कब है, तो 5 जुलाई 2020 यहाँ पर लास्ट डेट है जी हाँ। ITI के लिए डेट काफ़ी लंबी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन फॉर्म को आप भर देना ताकि आपके माइंड में से टेंशन ख़त्म हो जाए। पेपर इसका लेट ही होगा, और यहाँ पर ये माइग्रेशन वालों के लिए, जिन्होंने जो ट्रांसफ़र कराया है अपना, तो ये आपके लिए नहीं है, तो इसको आप छोड़ देना, ठीक है। मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से आप जो है एक फॉर्म भरने की लास्ट डेट वगैरह और सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर जाकर डाउनलोड करके। और ये जो आप देख पा रहे हो शेड्यूल फॉर ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट, इसमें जाके आप पेपर किस दिन किस समय और किस क्लास में एडमिशन के लिए होगा वो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस फॉर ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट, तो वो ये वाली फाइल है, वो आपको यहाँ पर क्लिक करते डाउनलोड होकर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप सिलेबस 2020-21 PDF फाइल डाउनलोड होकर आ चुकी है, तो इसको ओपन करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ये कुछ दिया है, तो सॉरी इंडेक्स वगैरह दिया है, तो वो आप देख लेना, बाकी मैं बता देता हूँ कहाँ से शुरुआत होती है। ये देखिए सिलेबस हाई स्कूल लेवल का जनरल साइंस, जनरल साइंस में यूनिट 1 में क्या क्या आना है, केमिस्ट्री में क्या आएगा, तो ये आप फाइल डाउनलोड कर लेना वेबसाइट पर जाके। सारी चीज़ मैंने आपके सामने की है, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो बॉटनी में क्या आएगा, जूलॉजी में है आपका ब्लड एंड लिम्फ जो भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेल्थ एंड हाइजीन में आएगा टबाको एल्कोहल ड्रग्स वगैरह, रसायन विज्ञान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी, और उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ मैं भौतिक विज्ञान के बारे में, देखिए क्या क्या आएगा, गति एवं बल, न्यूटन के नियम, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण, तो जो हाई स्कूल लेवल के पेपर होंगे उनमें ये सारी चीज़ों के बारे में आएगा। और पेपर हमेशा आपका वही रहता है, सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव रहता है, मतलब आपको चार एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे जाएंगे, एक सही होगा, आप नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं
ये फिलहाल फाइनल नहीं है, लेकिन पिछले ईयर तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं थी। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, इस साल है या नहीं वो तो पेपर देते समय आपको पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे उषमा आएगा, प्रकाश आएगा, जो भी आएगा वो आप देख लेना डाउनलोड करने के बाद। डाउनलोड कहाँ से करना है मैंने आपको बता दिया है। अब बता देता हूँ सिलेबस आपका इंटरमीडिएट लेवल का कहाँ है। ये देखिए सिलेबस इंटरमीडिएट लेवल साइंस, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल में साइंस के अंदर से बॉटनी में से क्या क्या आएगा ये आपको दिया है। आपको सेल स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी, सेल साइकिल, बायो ये क्या है, बायो मोलिकुलस, प्लांट टिश्यू और जो कुछ भी है। तो ये आप डाउनलोड करके केमिस्ट्री के अंदर से आपके क्या क्या आएगा ये भी आप देख लेना। मैथ ये आ गई मैथ के बारे में, मैथ के अंदर यूनिट वन में से क्या क्या आएगा, तो ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड करने के बाद देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही सारे लेवल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सिलेबस इंटरमीडिएट लेवल कॉमर्स, कॉमर्स वालों के लिए देखिए चित्रकला जो आर्ट साइड लेंगे उनके लिए क्या क्या आएगा, तो सारे जो है दिए गए हैं यहाँ पर। ललित कला फाइन आर्ट वालों के लिए सिलेबस इंटरमीडिएट लेवल का। इकोनॉमिक्स में से क्या क्या आएगा ये आप देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी आपको ये खुद से ही सिलेबस देखना पड़ेगा हिंदी में से क्या क्या आएगा। मैंने आपको सोर्स बता दिया आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट हो जिस भी सब्जेक्ट में या जिस भी क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपना देख लेना कि क्या क्या मुझे पढ़ना है उसके हिसाब से पढ़ लेना भैया। पॉलिटिकल साइंस देखिए उसमें से क्या क्या आएगा, यूनिट वन में से, यूनिट टू में से, यूनिट थ्री में से ये सारी चीज़ें आएंगी, तो ये आपको खुद ही देखनी है। और इनके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना, साइकोलॉजी में से क्या क्या आएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं तो ये सारी कुछ सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए ये देखिए सिलेबस मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, तो यहाँ पर ये भी दिया गया है, सारी चीज़ें इसी के अंदर दी गई हैं। ये 90 पेज की फाइल है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। 90 पेज की फाइल है तो इसको इसीलिए मैं पूरा तो नहीं बता सकता आपको, यहाँ पर देख पा रहे हो इसी जगह पर आप। तो चलिए ये हो गई सिलेबस की बात, अब बैक कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स आप यहाँ से लोगे, एक बार बता देता हूँ आपको। और शेड्यूल यानी कि कब और कब पेपर होगा और कितने बजे से होगा वो आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, और सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, आप फॉर्म को आप यहाँ से अप्लाई करोगे। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके बता देना, तो बाकी सारे काम आप वहाँ से कर सकते हो। फॉर्म आपको यहाँ से भरना है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्लिक हियर टू रजिस्टर। उसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे, तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल के, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लेना, फॉर्म को भर लेना। और कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर लेना। आप लोगों के वीडियो में व्यूज बहुत हैं, कम हैं और लाइक भी कम हैं और कमेंट भी कम है, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेट है। वीडियो देखते हो आप लोग तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, मन भी करता है, नहीं देखते हो तो फिर थोड़ा सा रह जाता है। तो भावनाओं को समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट करके बता देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा देना। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगली वीडियो का टॉपिक कमेंट में बताना ना भूलें। बाय बाय।